कोरोना के काल में जहां एक और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं गलत काम करने वाले लोग अपने चमत्कार दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में रोजाना चोर अपना हाथ साफ ही कर रहे हैं, दूसरी ओर तस्करी करने वाले भी अपना कारनामा दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक तस्कर को मंगलवार दोपहर को SDPO नीलाब रोहन की अगुवाई में LCB और MIDC पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धर दबोचा। SDPO नीलाब रोहन की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भुसावल से जलगांव की ओर आने वाले एक ट्रक में बड़ी मात्रा में गांजा तस्कर किया जा रहा है, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर अपनी नजर रखी और जैसे ही वो ट्रक वहां से गुजरने लगा, वैसे ही तस्करी करने वाले तस्कर गांजे के साथ ट्रक को धर दबोचा गया। आज रोज ही MIDC पुलिस स्टेशन के PSI आया विशाल सुलोने, त्यांची माहिती से आधार एक ट्रक पकडलेला आहे, त्या ट्रक मध्ये गांजा असल्याची माहिती मिळाली आहे। पोलीस कारवाई चालू आहे सर। तरी अंदाजे गांजा अजूनही मोज केलेलं नाही आहे, पण जास्त 100-150 किलो पेक्षा जास्त असल्याची कळत आहे। सर या संदर्भात कोणा अटक करण्यात आलेली आहे? एक ड्रायव्हर आहे, तो ड्रायव्हर मिळाला आहे। पुढील कारवाई जलगांव के SDPO नीलाब रोहन ऐसे भी नौजवान और स्मार्ट हैं, जो अपनी समझबूझ से कई सारे केसेस को हल करने में बिल्कुल ऊंची भूमिका रखते हैं। इसी के साथ साथ LCB और MIDC पुलिस भी लगातार दर्ज जुर्म के आरोपियों को पकड़ने में पीछे नहीं रही है। इस तरह से तस्करी का खुलासा करने वाले जलगांव के पुलिस को सलाम। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।